राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना, राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुन गुनाना सब पे खुशियां तुम लुटाना, गुण प्रभु के गुन गुनाना सब पे खुशियां तुम लुटाना, राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है, साथी है भगवान तेरा तुझको फिर कैसी फिकर है, हंसते हंसते दर्द पीना दीनों को दिल से लगाना, हंसते हंसते दर्द पीना दीनों को दिल से लगाना, राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। छुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे, भूले जो मंजिल दिखा कर फासला उनका मिटा दे, प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना, प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना, राजयोगी बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना। उससे कब प्यास बुझती, प्यास है ये विश्व सारा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज तक हमने इन पिछले 6 दिनों में बहुत कुछ इस नाटक के गहरे राजों को परमात्मा द्वारा समझा है। सबसे पहले हमने अपना खुद का परिचय लिया, हमारे पिता परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में भी जाना। साथ साथ समय कौन सा चल रहा है, समय की हम सबसे क्या मांग है, समय अनुसार हमें अपने अंदर क्या परिवर्तन करना चाहिए, और हमारी इन जन्मों की जर्नी कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक आकर पहुंची है,
कैसे हम चार युगों में से चलते चलते पांचवें युग में संगम युग पर आकर पहुंचे हैं, जहां परमात्मा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। लक्ष्य दिया है मनुष्य आत्मा से पुनः अपने उस ओरिजिनल स्वरूप में चले जाना, अर्थात अपने देवत्व के जो संस्कार अंदर में दबे हैं उनको बाहर निकालना और स्वयं को इन विकारी संस्कारों से मुक्त करना। ये जैसे हमें एक लाइफ टाइम के लिए लक्ष्य शिव बाबा ने दिया है, और इसी लक्ष्य के आधार से ही हमारे जीवन में सुख कहो, शांति कहो, पवित्रता, शक्ति, सब कुछ आता जाएगा। साथ साथ हमने राज्यों क्या है, कैसे वो सारे योगों का राजा है, और राज्यों के आधार से हम अपनी मन की शुद्धि कैसे कर सकते हैं, साथ साथ अपने मन को सकारात्मक विचारों से कैसे भरपूर कर सकते हैं, उसकी विधि क्या है, कौन से समय पर किस प्रकार से की जाए, वो सारी बातें आज तक हमने सुनी समझी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ सुनने और सुनाने का नहीं है। इस ज्ञान को हम जितना प्रैक्टिकल में लाते जाएंगे, उसका स्वरूप बनते जाएंगे, उतने सुंदर रिजल्ट्स हमें अपने जीवन में अनुभव होंगे। तो हमें रिजल्ट्स अनुभव करने हैं, अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर ले चलना है, यही इस राज्यों का लक्ष्य है। तो आज जैसे हमने कहा था कि 1 से 7 तारीख तक ये कोर्स रहेगा, तो आज 7वां दिन है, और वास्तव में परमात्मा जो ज्ञान का सागर है उसके पास इतना अथाह ज्ञान है कि 7 बूंदों से आत्मा की प्यास नहीं बुझती है। तो 7 दिन तो मतलब बेसिक जो बातें हैं परमात्मा जो हमें वर्तमान समय सुना रहे हैं वो सब हम आपके सामने रखते जा रहे हैं, लेकिन इस ज्ञान को आगे कंटिन्यू कैसे करें, कैसे इस ज्ञान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें और धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर वो सुंदर परिवर्तन हम अनुभव करें, इसके लिए हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना ये जर्नी को और एक हफ्ता हम कंटिन्यू करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपना वो कीमती समय, अपना जीवन कीमती बनाने के लिए, जीवन वैल्यूएबल बनाने के लिए जरूर निकालेंगे। तो जैसे कई मेन बातें जो कोर्स के अंदर परमात्मा हमें बताता है वो तो आपके सामने रखी ही है, लेकिन और भी कई गहरे राज जो समय को देखते हुए हमने इतने गहराई से नहीं समझाए, तो अगले इसको अगर हम कहें इस हफ्ते का जो हमारा कोर्स रहा वो बिगिनर्स कोर्स है, तो आगे हम अगले हफ्ते जो करेंगे वो एडवांस कोर्स होगा, जिसके अंदर हम ज्ञान की इन्हीं और बातों की गहराई में जाएंगे। जैसे अभी तक हमने इतनी सारी बातें सुनी, लेकिन कई आपके सवालों के जवाब अभी तक आपको नहीं मिले हैं, जैसे जन्मों की कहानी के बारे में, कितने जन्म होते हैं, कौन डिसाइड करता है, और कौन से युग में कितने जन्म होते हैं, वो भी हमने आज तक पूरा क्लियर नहीं कर पाए। ना ही धर्म के बारे में, इस नाटक में धर्म की एंट्री कब हुई, कौन सी धर्मात्मा कब आई, और क्या होगा इन धर्मात्माओं के साथ या धर्म के साथ आगे चलकर, ऐसी कई बातें। साथ साथ राज्यों को और आसान हम कैसे बनाए, कैसे राज्यों का हमें मुश्किल अनुभव नहीं हो लेकिन एक आसान तरीका अनुभव हो, उसके लिए मुझे और किन बातों की परहेज जीवन के अंदर करनी होगी, तो ऐसी कई बातें जो हम इस 7 दिनों में क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि ज्ञान बहुत गहरा है और एक एक बात को समझने जाए तो समय भी देना पड़ता है। तो इसलिए हम कल से अगले हफ्ते तक एडवांस कोर्स करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हम आधा अधूरा ज्ञान देकर आपको छोड़ दें, लेकिन हम समझते हैं कि आप इस ज्ञान की गहराई को बहुत अच्छी तरह से समझें और सिर्फ ये ज्ञान सुनने तक ना रहते हुए अपने आपके जीवन के अंदर समा जाए, आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, क्योंकि 7 दिनों में सुनी हुई बातें कब बुद्धि से उड़ जाती है पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान की बातें हम बहुत थोड़ा समय निकाल कर सुनते हैं, लेकिन सारा दिन हम संसार की बातें सुनते हैं, संसार की बातें देखते हैं जिनका इम्पैक्ट मन के ऊपर ज्यादा होता है, और पुनः हम नकारात्मक दिशा की ओर बहते जाते हैं। तो ये जो जर्नी है ये कोई 7 या 2 हफ्ते की जर्नी नहीं है, ये जर्नी लाइफ लॉन्ग की जर्नी है। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक बार जब शिवलिंग के बारे में मैं सुना रही थी कि भक्ति में हमने परमात्मा की कैसे पूजा की, अर्चा की, तो उसमें ये भी कहा था कि परमात्मा को हम धतूरे के फूल अर्पण करते हैं, अर्थात अपने मन का जहर हमें अर्पण करना होता है, और परमात्मा ने कहा कि ये जहर हटाने के लिए मैं तुमको रोज ज्ञान का अमृत पिलाऊंगा, लेकिन ये ज्ञान का अमृत एक वक्त में पिया नहीं जाता है, इसलिए शिव के ऊपर जो लोटी होती है उसमें से बूंद 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 बूंद
वो पानी कहो या दूध कहो, लिंग के ऊपर गिरता है। तो कहने का भाव यह है कि भले शुभाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की अथाह बातें शुभाबा के पास है हमें सुनाने के लिए, जो सत्य बातें हैं, हमारे जीवन से कनेक्टेड बातें हैं, लेकिन फिर भी बाबा हमको उसको एक दिन में या कुछ हफ्तों में नहीं बताएगा, क्योंकि हम डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए हम रोज एक एक ज्ञान की बूंद को टेस्ट कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जर्नी इतनी लंबी है, जब तक जीवन है तब तक परमात्मा का साथ हमें चाहिए, जब तक जीवन है तब तक सकारात्मक सोच हमें चाहिए। इसलिए ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। लेकिन इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए कई बातों की क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए, जो कोर्स के द्वारा हम आपको देते रहते हैं। और आप में से कई चाहते भी होंगे कि इस जर्नी को हम कंटिन्यू करें, क्योंकि इससे हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तो वो कंटिन्यू करने की विधि भी क्या होगी, वो भी हम अगले हफ्ते आपको पूरा बता देंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है राजयोग के फायदे। वैसे तो कई बातें हमने समझ ली है राजयोग के बारे में, कैसे ये योगों का राजा है, सारे योगों से जो प्राप्तियां होती है वो सिर्फ एक राजयोग करने से भी प्राप्तियां होती है। राजयोग से न कि सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, संबंधों का स्वास्थ्य कहो, हर प्रकार का सर्वांगीण विकास आत्मा का होता जाता है। तो एक एक बात को आज हम समझते हैं, राजयोग के नियमित अभ्यास से होने वाले फायदे। अगर आप एक दिन प्रयोग करेंगे और सोचेंगे तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तो शायद आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राजयोग एक जीवन शैली बन जाए, एक लाइफस्टाइल बन जाए, राजयोग की बातों को हम इतना प्यार से अपनाएं कि वो सकारात्मक परिवर्तन हमारे साथ ही चलता रहे, तो इसके लिए आज हम जानेंगे कि राजयोग के नियमित अभ्यास से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती है। तो सबसे पहले प्राप्ति जो राजयोग के अभ्यास से हमें होती है, हमारे अंदर दिव्य गुण की खुशबू आना शुरुआत हो जाती है। अगर आपको याद होगा, जब हमने आत्मा का लेसन सीखा था, अर्थात स्वयं की पहचानों को जानने का, समझने का प्रयास किया था, तो हमने कहा था कि आत्मा में 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक पूर्व जन्म से कैरी किए हुए संस्कार, एक बचपन से अपने फैमिली द्वारा मिले हुए संस्कार, फिर हमने देखा था कि आत्मा अपने चॉइस से भी कुछ संस्कार धारण करती है, अपने संग से भी कुछ संस्कार धारण करती है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव आत्मा के ऊपर होता है अपने ओरिजिनल संस्कार का। तो हर आत्मा में इनबिल्ट फॉर्म में जो संस्कार है वह आत्मा के साथ गुण है। जैसे शरीर 5 तत्वों का बना है, वैसे आत्मा 7 गुणों से भरपूर है। लेकिन वर्तमान समय हम यही स्मृति में नहीं रखते कि हम आत्मा है, तो इसलिए आत्मा से कनेक्टेड ये गुण भी प्रवाहित होते हुए हमें अनुभव नहीं होते हैं, या हमें लगता है ये चाहे गुण मेरे अंदर है ही नहीं। जैसे कि हमने 7 गुणों की जो बात की थी वो थे शांति, सुख, प्रेम, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान और आनंद। तो आत्मा के ये ओरिजिनल 7 गुण है जो हम हर आत्मा के अंदर नेचुरल रूप में है ही है। और राजयोग एक ऐसी कला है जिस आधार से हम अपने अंतर जगत के अंदर झांक कर देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारी यात्रा चल रही थी इस संसार के अंदर वो बाह्य जगत की तरफ चल रही थी। कौन क्या कर रहा है, संसार के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, इनफैक्ट मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन यहां तक हम नहीं गए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे संस्कारों के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, मेरी बुद्धि क्या क्या सोच रही है, क्या क्या निर्णय ले रही है, यहां तक हम नहीं पहुंचे थे। और राजयोग हमें अंतर्मुखी बनाता है। राजयोग के अभ्यास से हम धीरे धीरे अपने अंतर जगत से कनेक्ट हो जाते हैं, स्वयं से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आत्मा स्वयं से कनेक्ट होती है तो उस स्वयं की पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकती है। हम सबको ये 7 बातें बेहद पसंद है। हर एक को शांति पसंद है, हर एक को सुख पसंद है, प्रेम पसंद है, सब कुछ। क्यों पसंद है? आप देखो, आप बहुत गुस्सा करते हो, क्या आपको अच्छा फील होता है? डू यू फील एनर्जेटिक और डू यू फील ड्रेन्ड? गुस्सा करने से आत्मा एनर्जेटिक फील नहीं करता है। गुस्सा करने से उसका शरीर कांपने लगता है, शरीर का भी नुकसान होता है और मन की स्थिति का भी नुकसान होता है, संबंधों का भी नुकसान होता है। तो जो विकार है वो हमारे जीवन में एक विलन की तरह है, जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं, शांति को छीन लेते हैं।
लेकिन राज्यों के द्वारा जब हम अपने अंतर जगत से कनेक्ट हो जाते हैं, अपने सर्व गुण की गुणों की जो चाबी है, अंदर में छुपे हुए गुण है, वहां तक पहुंचकर इन सारे खजानों को अनुभव करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले फायदा राज्यों का स्वयं से कनेक्ट होने का कि हम अपने जीवन में शांति को महसूस करना शुरू करते हैं, अपने उस ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, सुख की अनुभूति करना सहज हो जाता है, हमारे अंदर आत्मिक प्रेम की जागृति होती है। आज तक हम किसी को प्रेम करते आए तो वो एक दैहिक रूप से था या कहो रिश्तों के आधार से था, लेकिन वो आत्मिक रूप से नहीं था। पर आत्मिक प्रेम ओरिजिनल प्रेम है, आत्मिक प्रेम अनकंडीशनल लव है, आत्मिक प्रेम में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है और वही सच्चा प्रेम है। तो ये प्रेम भी हम राज्यों के आधार से अपने जीवन में अनुभव करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम हरेक को उसी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। साथ साथ आत्मा के अंदर अनेक सुषुप्त शक्तियां हैं, परिस्थिति को सामना करने की शक्ति है। अभी हम आगे चलकर इसी लेसन के अंदर शक्तियों का भी डिटेल में अभ्यास करेंगे। फिर आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो है प्यूरिटी, शुद्धता। हर आत्मा को शुद्धि पसंद है, चाहे वो शारीरिक शुद्धि हो, चाहे वो घर की शुद्धि हो, चाहे वो कपड़ों की शुद्धि हो, चाहे वस्तुओं की शुद्धि हो, चाहे पदार्थों की शुद्धि हो, लेकिन उसके भी ऊपर आत्मिक शुद्धि, जिसको पवित्रता कहा जाता है। हर आत्मा चाहती है मेरा मन बिल्कुल पवित्र रहे, उसके अंदर कोई नकारात्मक सोच ना हो, किसी के प्रति नकारात्मक भावनाएं ना हो। लेकिन चाहकर भी हम अपने मन को शुद्ध नहीं रख पाते, तो राज्यों का अभ्यास हमें यहाँ मदद करेगा अपने मन को शुद्ध बनाने में, पवित्र बनाने में। राज्यों का अभ्यास करते करते हमारे अंदर ज्ञान का प्रवाह बहता जाएगा, हम आत्मिक दृष्टि में रहेंगे, शिव बाबा की याद में रहेंगे, समय को समझकर अपने हर कदम उठाएंगे, और जो एक्यूरेट कर्म फिलोसॉफी कल हमने सुनी उसी अनुसार हमारे कदम उठेंगे। तो राजयोग हमें ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की शक्ति देता है, और साथ साथ एक आनंदी जीवन क्या होता है, एक खुशहाल जीवन क्या होता है, उसकी अनुभूति राज्यों के नियमित अभ्यास से ही हम कर सकते हैं। तो आप देखते हैं ये सात गुण जैसे सात कलर की तरह है ना, जैसे इंद्रधनुष की तरह है, और ये आत्मा के सब जागृत हो जाते हैं जब हम राज्यों का नियमित अभ्यास करते हैं। साथ साथ हम देखते हैं दुनिया के अंदर कहा जाता है हमारे शरीर के अंदर भी सात चक्र होते हैं, और ये सात गुण इन सात चक्रों के साथ कनेक्टेड है। जैसे जैसे एक एक गुण की अनुभूति हम अपने जीवन में करना शुरू करते हैं, जैसे अपने शांति को अनुभव करना शुरू करते हैं, अपने आत्मिक प्रेम को अनुभव करना शुरू करते हैं, तो एक एक गुण एक एक चक्र के साथ कनेक्टेड होने के कारण वो चक्र भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसकी वो सकारात्मक एनर्जी हमारे शरीर में फैलती है, जो शरीर को शारीरिक स्वास्थ्य भी देती है, शरीर भी हेल्दी बनता जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सोच का परिणाम ही हमारे बॉडी पर होता है। और सोच के अंदर अगर सात गुण का प्रवाह हो, सात गुण छलकने लगे, उनकी खुशबू आने लगे, तो डेफिनेटली मेरा शारीरिक स्वास्थ्य भी बिल्कुल अच्छा होता जाएगा। तो मेडिटेशन के द्वारा हम परमात्मा से वो एनर्जी, सात गुणों की एनर्जी या उसमें से किसी भी एक कलर की एनर्जी अपने अंदर भरकर अपने को स्वास्थ्य से भरपूर कहो या हेल्दी बना सकते हैं। तो राजयोग हमें शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रदान करता है। फिर है राजयोग से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। आप सोचेंगे कौन सी शक्तियां जो हमें जीवन में लगती है, तो एक एक शक्ति को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ ब्रीफ में एक्सप्लेन भी करते हैं, क्योंकि ये शक्तियां तो बहुत डीप है, एक शक्ति के ऊपर एक लेसन हो सकता है, लेकिन हम संक्षिप्त में वो शक्ति क्या है और कैसे धारण करें इसको आपको बताते जाएंगे, जिससे राज्यों का अभ्यास करते करते परमात्मा से ये सारी शक्तियां हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले शक्ति है सहन करने की शक्ति। आज हम देखते हैं सारे रिश्तों में कड़वाहट होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है सहन शक्ति की कमी। हम देखते हैं दिन ब दिन हमारी सहन शक्ति खत्म होती जा रही है। खत्म क्या, जैसे तो हम कहेंगे कि अभी तो रही ही नहीं है,
हम थोड़ा भी किसी की बातों को सुन नहीं सकते हैं। अगर कोई हमसे जोर से बात करता है, आवेश में बात करता है, डेफिनेटली वो बात करने वाला तो सही ढंग से बात नहीं कर रहा है। लेकिन हम उस समय उनके प्रभाव में आकर खुद को भी क्रोधाग्नि में जला देते हैं और हम रिएक्ट करते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो इसीलिए राजयोग के द्वारा जो हमें पहली शक्ति प्राप्त होती है वो है सहन शक्ति। हम दूसरों की बातों को, आने वाली किसी भी परिस्थिति को समझकर उसको सहन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया है कि एक छोटा बच्चा है, आम के पेड़ को पत्थर मार रहा है। अब आम का पेड़ जितना भरपूर होता जाता है वो झुकता जाता है, साथ साथ उसके फल भी हमें प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे को आम चाहिए तो वो पत्थर मार रहा है, लेकिन झाड़ पत्थर के बदले पत्थर नहीं मारता है, झाड़ पत्थर के बदले आम देता है, क्योंकि जिसके पास जो होता है वो दूसरों को देता है। अगर कोई सामने से गुस्से से बात कर रहा है तो उसके पास कोई अच्छी बात नहीं है जो वो हमें दे सके, या गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो उसके पास वही स्टॉक है, इसलिए वो हमको दे रहा है। लेकिन हमें स्वयं को आम की पेड़ की तरह बना देना है, इतना अंदर से भरपूर परमात्मा प्राप्तियों से कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, और अगर कोई मुझे कुछ गलत देता भी है तो मेरे पास बहुत कुछ अच्छा है उनको रिटर्न में देने के लिए। तो अगर कोई गुस्से से बात करता है तो मैं शांति से बात करूं, मैं प्रेम से बात करूं। और पहली बात, सहन शक्ति हमें ये बताती है कि अगर कोई मुझे कुछ भी कहता है तो तुरंत मैं वो बन नहीं जाती हूँ, किसी के कुछ सोचने से मैं वैसा नहीं बन जाती हूँ। और सहन वो नहीं कर पाता जो स्वयं को नहीं जानता। जिस आत्मा ने स्वयं को अच्छी तरह जान लिया है वो दूसरा उसको कोई भी कहे उसके प्रभाव में आ नहीं सकता, और इसीलिए प्रभाव में न आने के कारण वो उसकी बातों को सहज रूप से बिना दुख की अनुभूति किए सहन कर सकता है। तो यहाँ एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जैसे मूर्ति होती है, किसी देवी देवता की जब मूर्ति बनाई जाती है तो सिर्फ एक पत्थर को ऐसे ऐसे कट करने से मूर्ति नहीं बनती है, पत्थर को बहुत बारीकाई से ठोका जाता है, देवता के एक एक फीचर को अच्छे से ठोके बिना उसकी वो सुंदरता निखरती नहीं है। वैसे शुभावा हम बच्चों को बताते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारी चैतन्य मूर्ति बना रहा हूँ, तुमको चैतन्य देवता बना रहा हूँ, सतयुगी देवता बना रहा हूँ, और लोग तुम्हें ठोके नहीं तो तुम्हारी मूर्ति सुंदर कैसे होगी, तुम्हारी राज्यों की परीक्षा कैसे होगी, तुम्हारे अंदर शक्तियां आ गई है ये कैसे पता पड़ेगा। तो सामने वाले टेस्ट जरूर करेंगे, सामने वाले ठोककर जरूर देखेंगे कि मूर्ति परफेक्ट बनी है या नहीं। इसलिए हम समझे, अगर कोई हमसे गलत व्यवहार करता है हम रिएक्ट ना करें, हम बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करें, और साथ साथ ये समझें कि ये आत्माएं मेरी स्थिति को और मजबूत बना रही है, मुझे परिपक्व बना रही है, और अपने आप को बहुत, हम जैसे कहेंगे इम्पैक्टलेस, जैसे प्रभाव रहित अवस्था को हम पा सकते हैं। तो ये गुण आता है सहन शक्ति से। फिर है समाने की शक्ति। जैसे हम देखते हैं नदियां सागर में जाकर समा जाती हैं, और नदी के अंदर कोई भावना से फूल भी डालता है तो कोई पत्थर या कचरा भी डालता है, लेकिन नदी का प्रवाह कभी रुकता नहीं है, नदी सब कुछ अपने अंदर समा कर सागर में समा जाती है। और सागर इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर जो लहरों का मंथन होता है, तो धीरे धीरे सागर अपने मंथन के प्रोसेस के दौरान वो सारा कचरा जो उसके अंदर समाया गया है वो कचरा किनारे कर देता है, और सागर के तले में जो जाता है उसको शंख मोती की प्राप्ति होती है। तो वैसे ही हम सब नदियां हैं, हमें कोई प्रेज भी करता है, हमारे कोई महिमा भी करता है, हमारे कोई ग्लानी भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन हम उसको अपने अंदर समाते जाए, और समाकर खाली कहाँ करें, परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, परमात्मा जो मेरा पिता है, उसके पास जाकर हम अपना मन खाली करें और परमात्मा को बताइए सारी बातें ऐसे ऐसी हो गई, और अपने आप को खाली करके हल्का हो जाए। और हमारा मन भी एक सागर की तरह है, हमारे मन में भी विचारों की लहरें उठती है, तो इन लहरों में किसी ने महिमा डाल दी, इन लहरों में किसी ने ग्लानी डाल दी, मुझे दोनों बातों को समझकर दोनों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करना है, महिमा में बहते नहीं जाना है और ग्लानी से दुखी नहीं होना है। ये तो संसार का नियम है कि आपकी ग्लानी भी होगी और आपकी महिमा भी होगी, दोनों से मुझे प्रभावित नहीं होना है, लेकिन मैं जो ओरिजिनल हूँ उस फॉर्म में मुझे स्थित रहना है।
तो विचार सागर मंथन करके व्यर्थ की बातों से, निगेटिव बातों से मुझे अपने मन को फ्री कर देना है और हल्का होके सब बातों को समा कर बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करना है। अब गणेश जी का सीजन आ रहा है, गणेश उत्सव आ रहा है, गणेश जी का भी पेच बहुत बड़ा दिखाते हैं। वास्तव गणेश एक ज्ञानी आत्मा की, ज्ञानी आत्मा का प्रतीक है। ज्ञानी आत्मा का पेट बड़ा होना अर्थात फिजिकली कोई पेट बड़ा नहीं होता है, अर्थात समाने की शक्ति। सब बातों, जैसे कहते ना, इस बात को आप पेट में संभालो, इसको बाहर नहीं निकालो, अर्थात अंदर में उसका वर्णन कहीं नहीं करो। तो वैसे परमात्मा हमें बताता है कि बच्चे तुम देवता बनने जा रहे हो, तुम्हें आप किसी की ग्लानी नहीं करनी है। भले लोग तुम्हारी ग्लानी कर सकते हैं क्योंकि वो तुम्हारे पुराने स्वभाव संस्कार से शायद प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें कभी किसी की ग्लानी नहीं करनी है। किसी की कोई कमी कमजोरी दिखाई देती है तो मैं ध्यान में रखूं मेरे मुख से किसी का भी बुरा चिंतन वर्णन कभी ना हो, क्योंकि अगर मैं किसी की बुराई करने के निमित्त बन जाती हूँ तो वो बुराई फैलते फैलते किस कोने तक जाएगी, और इतनी बुरा, इतने के मन को खराब करने के लिए मैं निमित्त बनूंगी। तो कर्म फिलॉसफी अनुसार अगर मेरे द्वारा किसी का मन खराब होता है तो मेरे ऊपर उस कर्म का बोझ चढ़ जाता है। इसलिए हम समाने की शक्ति को धारण करें। अगर किसी का वर्णन करना ही है तो अच्छी बातों का वर्णन करो, ये आत्मा बहुत अच्छी है, इसका ये संस्कार बहुत अच्छा है, इनका ये स्वभाव बहुत अच्छा है, ताकि हम पॉजिटिव एनर्जी लोगों के मन में फैलाएं और वही एनर्जी लौटकर मेरे पास आए। फिर तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। जैसे हम देखते हैं कोई चीज को डीपली देखना होता है तो उसको ठीक से परखा जाता है, या कहो हम देखते हैं झोरी जो होता है वो ओरिजिनल सोना कौन सा है, मिलावट सोना कौन सा है, वो परखता है। तो राजयोग के अभ्यास से धीरे धीरे मन बुद्धि एकाग्र होने के कारण, अनेक ज्ञान की बातों की क्लैरिटी आने के कारण हमारी परखने की शक्ति अच्छी होने लगती है। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आता है हम जल्दी परख जाते हैं कि इस आत्मा को मुझसे क्या चाहिए, और परख कर हम इतने भरपूर भी बन जाते हैं राजयोग से कि हम उनकी डिमांड को पूरी कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे सहयोग चाहता है तो मैं उसको सहयोग दे देती हूँ, कोई मुझसे मीठे दो बोल चाहता है तो मैं उससे दो मीठे बोल बोल सकती हूँ। तो आत्मा की चाह को परखना राजयोग हमें सिखाता है और पूरी करने की शक्ति भी देता है। फिर चौथी शक्ति है निर्णय शक्ति, है ना। कई लोगों का कहना होता है, या हमें दो तीन दिन पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। डिसीजन इंसान तभी ले सकता है जब उसके सामने जितने भी ऑप्शंस हैं उसकी पूरी जानकारी उसके पास हो। अगर हमारे पास किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है। और राज्यों का नियमित अभ्यास, क्योंकि हमारा राज्यों सिर्फ योग नहीं है, ये ज्ञान के ऊपर डिपेंडेंट योग है। जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना राज्यों सहज होता जाएगा। तो ज्ञान हमें हर बात की क्लैरिटी देता है, ज्ञान एक प्रकाश की तरह है जो हमारे जीवन में आने वाली हर बात की हमें क्लैरिटी देता है, और जितनी क्लैरिटी बढ़ती है मेरे लिए डिसीजन लेना उतना ही सहज होता है। साथ साथ राजयोग से मन बुद्धि इतनी परमात्मा के साथ एकाग्र हो जाती है कि शिव बाबा भी समय प्रति समय हमारे मन बुद्धि को टच करता है कि तुम्हें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, और हमारे हर डिसीजन एक्यूरेट होते जाते हैं। इसलिए राजयोग से हमारी निर्णय शक्ति भी अच्छी बनती जाती है। फिर है सामना करने की शक्ति। अभी देखो ये दो शक्तियां काफी अपोजिट है, एक तरफ सहन करना, एक तरफ सामना करना, और कई बार हम कंफ्यूज हो जाते सहन करूं या सामना करूं, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक योद्धा है युद्ध के मैदान में। अगर योद्धा बिना युद्ध की सामग्री लिए या बिना कोई शस्त्र लिए अगर मैदान में उतारता है तो गारंटी है कि उसकी हार निश्चित है, क्योंकि सामने वाले के पास तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है, उससे वो हरा सकता है। तो इसलिए किसी भी योद्धा को युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अपने सारे अस्त्र शस्त्र स्वयं के साथ रखने हैं। अगर योद्धा अस्त्र शस्त्र लेकर जाता है लेकिन उसको शस्त्र चलाना नहीं आता है तभी उसकी हार निश्चित है। सिर्फ साथ में रखने से कोई फायदा नहीं, उसको मुझे यूज करना आना चाहिए। यूज करना आता है तो समय पर वो शस्त्र को यूज कर वो अपने आप का रक्षण कर सकता है। अब तीसरी बात, शस्त्र भी है, शस्त्र चलाने भी आते हैं, लेकिन अगर हम सही समय पर सही शस्त्र यूज नहीं करते हैं तभी हमारी हार निश्चित है। करना था एक शस्त्र को यूज जिससे उसको स्वयं को प्रोटेक्ट कर सकता था,
लेकिन गलती से दूसरा शस्त्र यूज कर लिया तो भी उसकी हार निश्चित। उसी तरह से हम सब योद्धे हैं। ये जीवन जैसे एक युद्ध क्षेत्र है। इस सारी दुनिया में जैसे विकारों की युद्ध चल रही है, और ऐसे समय पर हमारा रक्षण तभी हो सकता है जब हम इन अष्ट शक्तियों को साथ में लेकर चले, स्वयं के अंदर समा कर चले। अब हमारे अंदर ये अष्ट शक्तियां अगर समझो है भी, और मुझे उस हर शक्ति का प्रयोग करना भी पता है, लेकिन अगर मैंने सही समय पर सही शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो मेरी हार हो जाएगी, मेरी अवस्था डावाडोल हो जाएगी, मेरा मन दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए हर शक्ति को हम यथार्थ समझे और समय प्रति समय कौन से शक्ति की आवश्यकता है इसको समझकर उसका प्रयोग करें। जैसे सहन शक्ति में मुझे सहन करके चुप बैठना है, लेकिन सामना करने की शक्ति में मुझे आई हुई बातों का सामना करना है। तो इसके लिए आप एक बात याद रखना, जब कोई परिस्थिति किसी व्यक्ति के द्वारा आती है, किसी आत्मा के द्वारा आती है, उसके स्वभाव संस्कार द्वारा आती है, मुझे चुपचाप सहन करना है। लेकिन कोई ऐसी परिस्थितियां होती है जो किसी इंसान से नहीं, बस आ गई। जैसे मुझे अचानक किसी बीमारी का पता पड़ गया कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, ये तो शॉक हो जाता है ना, लेकिन मुझे इससे भी हलचल में नहीं आना है। हाँ, बीमारी है, अब मुझे ट्रीटमेंट लेकर अपने पॉजिटिव विचारों के आधार से बीमारी को ओवरकम करना, ये है परिस्थिति का सामना करना। या समझो किसी की अचानक डेथ हो जाती है जो मेरा काफी क्लोज रिलेटिव था, तो भी ये परिस्थिति अचानक सामने आ गई तो इस समय मुझे घबराना नहीं है, दुखी होकर बैठना नहीं है, लेकिन हिम्मत से इस परिस्थिति का भी सामना करना है। तो जब परिस्थितियों की बात आती है तो सामना शक्ति को यूज करना है, जब व्यक्तियों की बात आती है तो मुझे सहन शक्ति को यूज करना है। तो इस तरह से यहाँ पर सामना करने की शक्ति में आप देख सकते हैं मृत्यु की एक सिचुएशन दिखाई है। मृत्यु एक ऐसी बात होती है, ऐसी घटना होती है जिससे आत्मा की स्थिति बहुत डावाडोल हो जाती है। तो इस बात का हम कैसे सामना करेंगे, क्योंकि कोई भी शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उसके पीछे का ज्ञान हो। तो मौत जैसी सिचुएशन को अगर हमें हैंडल करना है, तो अब तक 7 दिनों में हमने जो सुना कि मैं तो एक अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो एक अमर आत्मा हूँ, आत्मा तो कभी नहीं मरने वाली, रिश्ता निभाने वाली भी आत्मा ही है, शरीर कोई रिश्ता नहीं निभाता है, आत्मा रिश्ता निभाती है। तो अगर समझो किसी की मौत हो जाती जो मेरे काफी क्लोज था, वो आत्मा अभी भी इस संसार में है, भले उसका शरीर रूपी कॉस्ट्यूम खत्म हो गए, अब वो उस रूप से मेरे इंटरेक्शन में नहीं आएगी जैसे पहले आती थी, लेकिन वो अभी भी है। उसके प्रति मुझे जो कुछ भी करना है वो मैं अभी भी कर सकती हूँ। उसका सिर्फ ड्रेस और एड्रेस चेंज हो गया है, उसका शरीर बदल जाएगा, अभी वो हमारे बीच में नहीं, किसी और फैमिली में चली जाएगी, इतना ही फर्क हुआ है, लेकिन सब कुछ वैसे के वैसा है। जब हम स्वयं को ये ज्ञान देते हैं बहुत विधि पूर्वक कि वो आत्मा है, वो गई नहीं है, वो अभी भी हमारे बीच में है, अभी भी मैं अपनी शुभ भावनाएं उस तक पहुंचा सकती हूँ, इस अंडरस्टैंडिंग से अगर हम उस बात को फेस करते हैं तो हमारे लिए उसको डाइजेस्ट करना सहज हो जाता है। फिर है संयोग शक्ति। जैसे हमने कथाओं में सुना है, एक एक अंगुली लगाकर गोवर्धन पर्वत को उठाया गया था। कहने का भाव इतना होता है कि कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है अगर सबका सहयोग हो। तो संसार के अंदर ऐसे कितने काम होते हैं जो हमें असंभव लगते हैं या बहुत बड़े टास्क होते हैं, हम अकेले नहीं उसको कर सकते, इसलिए हमें औरों का सहयोग लगता है। तो सहयोग शक्ति एक ऐसी है, कहा जाता है जो सहयोग देता है उसको सहयोग मिलता है। तो देना ही लेना हो जाता है। अगर मैं समझती मुझे सबका सहयोग समय प्रति समय चाहिए, तो मुझे समय प्रति समय लोगों को भी सहयोग देना होगा, बिना दिए लौट कर नहीं आएगा। अगर मैं किसी की मदद नहीं करती और एक्सपेक्ट करती हूँ कि लोग आकर मेरी मदद करें, तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो हम अपनी एनर्जी का, अपने शुभ विचारों का, अपने शुभ बोलों का सहयोग विश्व की आत्माओं को देते चले, और असंभव कार्य भी इससे क्या हो जाएंगे, संभव हो जाएंगे, और मुझे जब जरूरत है वही सहयोग लौट कर मेरे पास आएगा। यहाँ और एक गहरी बात समझने की है, परमात्मा बहुत बड़ा काम करने के लिए आया है। परमात्मा कलियुगी संसार को सतयुगी बनाने के लिए आया है, ये कोई संभव लगने वाला कार्य नहीं है। पतित आत्मा को पावन बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन परमात्मा शक्ति ही ये कार्य कर सकती है। लेकिन शिव बाबा को हम बच्चों की मदद की एक एक अंगुली चाहिए,
तभी यह असंभव कार्य संभव हो सकता है। क्या हम भगवान को कोई मदद कर सकते हैं? आज तक तो हमने जो भी सुना या समझा कि भगवान से मदद ली जाती है और उसने समय प्रति समय हमें मदद की भी है, लेकिन यही एक समय है संगम युग का जब हम बाबा को मदद कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? स्वयं के परिवर्तन से। शिव बाबा कहता है, बच्चे मैं तुमको पावन बनाने के लिए आया हूँ, शुद्ध बनाने के लिए आया हूँ, विकारों से फ्री करने के लिए आया हूँ। तुम अपने विकारों को छोड़ते जाओ, तुम पवित्र बनते जाओ, यही तुम्हारी मदद मेरे काम में आएगी। वास्तव में कहने के लिए हम कहते हैं शिव बाबा को मदद कर रहे हैं, लेकिन हम मदद स्वयं को कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, स्वयं के अंदर दिव्य गुण भर रहे हैं, जिसकी प्राप्ति मुझे सतयुग त्रेता युग में होने वाली है। क्योंकि ये मदद हम परमात्मा को उसके डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं, तो शिव बाबा को जैसे ये मदद हो जाती है। तो हम सभी मिलकर ये लक्ष्य रखें कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य की कार्य के लिए हम मदद जरूर करेंगे। यह है सहयोग शक्ति। फिर है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इस संसार में विस्तार में जाने के लिए करोड़ों बातें हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, हमने तो ये पढ़ा था, हमने तो वो सुना था, ऐसा था, वैसा था, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, जितनी लंबी क्यों लगाना चाहो इन सवालों की लग सकती है, और इतना जितना उलझना चाहो हम उलझ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे होता है टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। तो शिव बाबा हमको सिखाते हैं, बच्चे विस्तार में नहीं जाओ, विस्तार की बातें तुम्हारे एनर्जी को, टाइम को खर्च करेगी और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और समय अभी हमारे पास बहुत कम है, थोड़े ही सालों में ये सारी सृष्टि परिवर्तित होते हुए हमें अपनी आंखों के आगे दिखाई देगी, और हमारी मंजिल काफी ऊंची है। अगर समझो किसी के पास समय कम है और पहुंचना समय उसी समय में अपनी मंजिल पर है, तो वो साइड सीन में नहीं फंस सकता, उसको सीधा 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 अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित करके वहां जल्द से जल्द पहुंचना होगा। वैसे इस संसार में साइड सीन्स बहुत है, हम उनमें उलझे नहीं। जैसे यहाँ पे कछुआ दिखाया है, आपने देखा होगा जब आप मंदिरों में जाते हैं, कई बार शिव के मंदिर में भी या और किसी मंदिर में भी एंट्री करते ही कछुए की मूर्ति होती है। हम सोचते हैं पता नहीं ये कछुए की मूर्ति मंदिर में क्यों है। तो कछुए की ये विशेषता होती है कि कछुए को जब कुछ काम होता है तब वो अपने इस कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, हाथ पैर मुख, अपना कार्य पूरा करता है और फिर सबको अंदर में खींच के एकदम शांति से लेटा रहता है। तो कहने का भाव ये होता है, परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मेरे दर्शन लेने के लिए आते हो, जब तुम मेरे पास आते हो, तो ये बुद्धि जो अनेक जगह पर विस्तारित हुई है, यहाँ क्या, वहां क्या, ऐसा क्या, वैसा क्या, ये मन बुद्धि जो भटक रही है, इसको तुम पहले एकाग्र कर लो, सारी पुरानी दुनिया से इसको समेट लो और एकाग्र होके जब मेरे पास आओ तब मैं तुम्हें सारी प्राप्तियां करा कर दूंगा। क्योंकि शिव बाबा की सारी प्राप्तियां मन बुद्धि को है, और उसी को अगर हम भटकाते रहे तो वो देता रहेगा लेकिन हम ले नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम संसार की विस्तार की बातों में उलझे नहीं। हम अगर विस्तार में जाना ही है, कई बार हम सोचते हैं ना सारा दिन हम क्या सकारात्मक सोचे, तो ये सोचे कि जो बाबा हमें एक एक ज्ञान की बात सुनाता है वो सत्य कैसे है, उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, किसके साथ कैसे उसको अप्लाई करूँ। इन ज्ञान की बातों में आप जितना गहरा और विस्तार में जाना चाहते जाओ, उससे हमारा कल्याण ही होगा, उससे हम ज्ञान के स्वरूप बनते जाएंगे और बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज हमारे अंदर आता जाएगा। लेकिन बजाय इसके अगर हम अज्ञान की बातें, दुनियावी बातें, विस्तार की बातें, फालतू बातों के विस्तार में जाएंगे तो हमारा लॉस होगा। इसीलिए राजयोग हमें एकाग्र करता है, जिससे हम परमात्मा शक्ति को, परमात्मा ज्ञान के विस्तार में जाने का अभ्यास हो जाता है। और लास्ट शक्ति है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। हम देखते हैं आर्मी के अंदर जो आत्माएं सेवाएं देती हैं, तो उनको तो अपना सामान हमेशा पैक रखना ही होता है, कब ऑर्डर मिले और कब किसी बॉर्डर पे जाना पड़े कुछ भरोसा नहीं होता है। वो ये नहीं कह सकते कि हमको टाइम दो हम पैकिंग करेंगे फिर हम जाएंगे, नहीं, उनको ऑर्डर मिला तुरंत निकलना होता है, उनको अलर्ट एवर रेडी रहना होता है। वैसे शिव बाबा कहते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया से तुम्हारे टिकट कब कटेगी, इस पुराने दुनिया से हम कब निकल जाएंगे पता नहीं पड़ेगा, इसीलिए पहले से ही सब दुनियावी बातों से स्वयं को समेट कर रखो। जब हम जर्नी पर जाते हैं हम उतनी ही चीजों को साथ में लेते हैं जितनी चीजें जरूरी होती है।
हम घर में हजार चीजें होती है, लेकिन हजार चीजें पैक कर कर नहीं चलते हैं। जो मुझे पहुंचने के बाद काम में आने वाली है उतनी ही चीजें हम वहां लेकर जाते हैं। तो उसी तरह से हम पुरानी दुनिया से, कलियुग की दुनिया से सतयुग की दुनिया की तरफ जा रहे हैं, तो उतनी ही बातों को हम अपने साथ ले जो नई दुनिया में मेरे काम में आएंगी। तो नई दुनिया में मेरा पुराना शरीर भी काम में नहीं आएगा, पुराने रिश्तेदार भी काम में नहीं आएंगे, पुराना घर, पुरानी दुनिया भी काम में नहीं आने वाली। नई दुनिया में आएगा काम जो मेरे साथ जाएगा, वो मेरे मन, बुद्धि और संस्कार, अर्थात मैं आत्मा। तो वर्तमान समय में आत्म शुद्धि के कार्य पर ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि यही मेरी अविनाशी कमाई है। बाकी शारीरिक कमाई सारी विनाशी है, इसी शरीर के साथ मुझे छोड़कर जानी है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे जीवन जियो कि किसी भी समय मौत आए, हमें दुख ना हो, ये करना रह गया, वो करना रह गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं, एवर रेडी। तो इसीलिए अभी से इस जर्नी के अंदर जुट के अपने आप को दिव्य गुणों से, अच्छाई से भरते जाओ, क्योंकि यही हमारी अविनाशी कमाई है। तो ऐसे अष्ट शक्तियों की प्राप्ति हमें राजयोग से होती है। अब ये आठ शक्तियां अगर हम विस्तारित रूप से देखें, तो इन आठ शक्तियों का आपस में कनेक्शन है। कैसे? तो इसमें से दो शक्तियां जो है, विस्तार को सार में लाने की शक्ति और समेटने की शक्ति, ये मेरे स्वयं के प्रोग्रेस अर्थ बहुत आवश्यक है। जितना मैं समेटी हुई रहूंगी, जितना मैं व्यर्थ से बची हुई रहूंगी, उतना ही मेरा स्वयं का कल्याण होता जाएगा। तो स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के उन्नति के लिए मुझे इन दो शक्तियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। जब मैं संबंध संपर्क में आती हूँ किसी और आत्मा के साथ, तो मुझे सहन शक्ति को यूज करना है और समाने की शक्ति को यूज करना है। तो संबंधों के अंदर हम इन दो शक्तियों का प्रयोग ज्यादा करेंगे। जब हम व्यवहार में आते हैं, कार्य व्यवहार में, जैसे बिजनेस में, जॉब के स्थान पर, किसी ना किसी व्यवहार में, तो हमें दो शक्तियों को ध्यान से प्रयोग में लाना है, निर्णय करना और परखना कि सामने वाले की डिमांड क्या है, सामने वाले का हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है। और जब कोई परिस्थिति हमारे आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है, तब मुझे दो शक्तियों का प्रयोग करना है। एक है परिस्थिति को सामना करने की शक्ति, और परिस्थिति में सही समय पर सही आत्मा को सहयोग देने की शक्ति। तो इस तरह से ये आठ शक्तियों को चार बातों में विभाजित, स्वयं के उन्नति के लिए दो शक्तियां, संबंध निभाने के लिए दो शक्तियां, व्यवहार में दो शक्तियां, और परिस्थिति में दो शक्तियां। तो इन शक्तियों का विकास राज्यों के अभ्यास से हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है। फिर अगला बहुत बड़ा फायदा जो हमें राज्योग से होता है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म शब्द हमने कल कर्म फिलोसॉफी में सुना था। विकारों के वश हमने जो भी कर्म किए हैं द्वापर युग से अब तक, उनको विकर्म कहा जाता है। और कल मैंने ये भी कहा था कि सारे विकर्म उसी जन्म में चुकते हो जरूरी नहीं है। हम कैरी फॉरवर्ड करते 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 कलयुग के अंत में इन सारे विकर्मों को लेकर, बचे हुए विकर्मों को लेकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए हर प्रकार की समस्या आज हम जीवन में अनुभव करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, संबंधों की बात हो, धन की बात हो, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि विकर्मों का बोझ आत्मा के ऊपर काफी है। लेकिन जितना हम बाबा से बुद्धि योग जोड़ते हैं, इस राज्यों का अभ्यास करते हैं, बाबा से शक्तियां प्राप्त करते हैं, तो धीरे 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 इन विकर्मों का प्रभाव, विकर्म किए हैं तो वो बातें तो सामने आएंगी, लेकिन हम इतनी शक्तिशाली अवस्था में होंगे कि हमें वो बातें बड़ी नहीं लगेंगी, हमारे आगे वो बातें छोटी छोटी हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया है, कागज है और समर के सीजन की कड़ी धूप है, लेकिन कितनी भी कड़ी धूप हो, कागज सूरज की किरणों के नीचे रखेंगे तो जलेगा नहीं। अगर हमको कागज को जलाना है तो उसमें लेंस को पकड़ना पड़ेगा। लेंस क्या काम करती है? सूरज की किरणों को एकाग्र करती है, और उससे उसकी तपत इतनी बढ़ जाती है एकाग्र किरणों से कि अगर उसके नीचे कागज को रखा जाए तो कागज जल के भस्म हो जाता है। तो उसी तरह ये सूर्य अर्थात ज्ञान सूर्य, शिव बाबा अपनी ज्ञान की रोशनी फैला रहा है, लेकिन जब तक मैं आत्मा इस लेंस को, मन बुद्धि की लेंस को, उस मन बुद्धि में परमात्मा के ज्ञान को एकाग्र ना कर लू, भर ना लू, तब तक मेरे अंदर की कमजोरियां, मेरे अंदर के विकार, मेरे पुराने विकर्म भस्म नहीं होंगे।
तो अपने मन बुद्धि में शिव बाबा की ज्ञान की रोशनी को भर देना है। फिर राजयोग एक चार्जिंग की प्रोसेस है। जैसे हम देखते हैं बैटरी को चार्जिंग की आवश्यकता होती तभी वो कार्य चल सकता है, वैसे इस आत्मारूपी बैटरी को भी सकारात्मक बातों की चार्जिंग लगती है। आज हम देखते हैं स्वयं की अवस्था ऐसे है, मन के विचार बिखरे हुए है ना, कहीं ना कहीं हमें डाइवर्ट करने वाले अव्यवस्थित, लेकिन राजयोग का अभ्यास करने से मन के विचार भी सुव्यवस्थित हो जाते हैं, मन में क्लैरिटी आ जाती है मुझे कौन से समय क्या करना है और किस तरह से करना है, किस विधि से करना है। तो मन की ये जो बिखरी हुई अवस्था है वो अच्छी तरह से सुव्यवस्थित हो जाती है। फिर राजयोग के अभ्यास से मेरे अंदर सकारात्मकता बढ़ती जाती है। कैसे? राजयोग अर्थात ज्ञान, ज्ञान का पहला, राजयोग का फाउंडेशन ही ज्ञान है। पहले ज्ञान होना कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, शांति सागर की संतान हूँ, ये जो सारी बातें हमने सुनी उसको अनुभव करना अर्थात राजयोग। तो ये अभ्यास करने से मेरी स्मृति में सकारात्मक परिवर्तन आता है। अब मैं देह की स्मृति में नहीं रहती लेकिन मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में हम रहते हैं, और फिर हम इस आत्मिक स्मृति में रहते हुए हर कर्म करने के कारण, स्मृति ऊंची होने के कारण हमारे विचार भी अच्छे बनते हैं, हमारी वृत्ति भी पॉजिटिव, दृष्टि भी पॉजिटिव बनती है, और जहाँ वृत्ति दृष्टि सब कुछ पॉजिटिव है, नेचुरली बोल और कर्म भी पॉजिटिव होने लगते हैं। तो राजयोग से सातों गुणों की अभिव्यक्ति अर्थात आत्मा के सातों गुणों का अनुभव हम आत्माएं करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर एक समानता की भावना जागृत होती है कि हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, और हमारी नकारात्मकता सकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगती है। और एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट फायदा, राजयोग से हम विश्व को भी हील कर सकते हैं, राजयोग से हम दूसरी आत्मा को भी हील कर सकते हैं और आत्माओं को अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज में पॉजिटिव वाइब्रेशंस को फैलाने को सकाश कहा जाता है। तो सकाश द्वारा हम शिव बाबा से ली हुई हीलिंग एनर्जी विश्व की आत्माओं तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम स्वयं का कल्याण नहीं करते लेकिन साथ साथ अपनी एनर्जी से विश्व का कल्याण भी करते हैं। तो एक जगह बैठकर, कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठकर मन बुद्धि में किसी पर्टिकुलर आत्माओं का ग्रुप, समझो कोई बीमार आत्माएं हैं, तो मैं उनको आंखों के आगे विजुलाइज कर बाबा के सामने, बाबा को भी विजुलाइज करूं, अनुभव करूं कि बाबा की शक्तियां उन सारे पेशेंट्स को मिल रही है, वो हील हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के स्वभाव संस्कार के लिए भी अभ्यास करना चाहती हूँ तो बाबा के सामने मुझे उस आत्मा को इमर्ज करना है, अनुभव करना है कि बाबा की किरणें उस आत्मा को मिल रही है और उस आत्मा की सोच और व्यवहार परिवर्तन होता जा रहा है। तो राजयोग के अभ्यास से हम अपने को भी हील कर सकते हैं और औरों को भी हील करने में मदद कर सकते हैं, इसी को हम सकाश कहते हैं। राजयोग से हमें बहुत सुंदर जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है कि अब मुझे साधारण मनुष्य नहीं रहना है, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। शिव बाबा हमें श्री लक्ष्मी और श्री नारायण समान बनाने आया है क्योंकि उन देवताओं की दुनिया में हमें चलना है। तो इसीलिए हमें इस वर्तमान जीवन का एक सुंदर लक्ष्य शिव बाबा दे रहे हैं कि बच्चे तुम्हें देवी गुणों से संपन्न बनना है, देवी देवता बनना है। तो राजयोग से हमें लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाती है। तो ये बहुत सारे फायदे हमने राजयोग के सुने, समझे, और हम प्रैक्टिकल में इसको प्रैक्टिस के आधार से अनुभव भी करते चलेंगे। तो ये थे सारे राजयोग के फायदे। चलो अब कुछ मिनट हम इन्हीं फायदों का अनुभव करेंगे। तो सभी अपने जगह पर एकाग्र होकर अलर्ट होके बैठेंगे। स्वयं को अनुभव करेंगे अपने मस्तक मध्य में। मस्तक मध्य में चमकती हुई मैं दिव्य ज्योति आत्मा, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र,
मैं पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। कुछ समय के लिए ले चले अपने आप को उस परमात्मा के सन्मुख, उनके सामने अनुभव करेंगे। इस शरीर को इसी साकारी दुनिया में रखकर मन बुद्धि की यात्रा द्वारा मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा आकाश की ओर उड़ती जा रही हूँ। धीरे धीरे इस पांच तत्वों की दुनिया को क्रॉस करते हुए पहुंच गई हूँ परम धाम, लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, पवित्र धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम। यही वो स्थान है, यही मुझ आत्मा का ओरिजिनल घर है। अनुभव करेंगे स्वयं को एक चमकते हुए सितारे के रूप में परमधाम में। धीरे धीरे मैं ऊपर की ओर उड़ती जा रही हूँ और देख रही हूँ मेरा शिव बाबा, मेरा परमपिता परमात्मा एक सुंदर चमकते हुए सितारे के रूप में, जिसकी रोशनी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। वो पवित्रता का सागर है, उससे अनंत पवित्रता की सूदिंग किरणें निकल रही है। अनुभव कीजिए शिव बाबा, चमकता हुआ सितारा, उसकी सुंदर किरणें जिसके अंदर बहुत पवित्रता समाई हुई है। और मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, उन किरणों की छत्र छाया में जैसे बारिश की बूंदें शरीर को भिगोती है, वैसे ये परमात्मा से निकलती हुई पवित्रता की किरणें मेरे मन को शुद्ध कर रही है, मेरे मन को धो रही है। मेरा मन भी बहुत पवित्र होता जा रहा है। मेरे ऊपर जो भी विकारों की लेपछेप थी जैसे निकलती जा रही है, और मैं आत्मा पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप में पवित्र स्वरूप में स्थित होती जा रही हूँ। अनुभव करेंगे अपनी पवित्रता की शक्ति को। मैं आत्मा बहुत पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, सातों गुणों से भरपूर हूँ। शिव बाबा से इन सभी गुणों को अपने अंदर समाते हुए, स्वयं को भरपूर करते हुए मैं आत्मा चली पुनः इस सृष्टि रूपी रंगमंच की ओर। धीरे धीरे परमधाम को छोड़कर आ गई मैं पांच तत्वों की दुनिया में, अपने घर में जो शरीर का घर है, अपने इस मिले हुए पांच में शरीर में मैं प्रवेश करके मस्तक मध्य में विराजमान हो गई। अब बाबा से मिली हुई पवित्रता की किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा पूरा शरीर हील होता जा रहा है। हर कर्मेंद्रियों को परमात्मा की शक्ति प्राप्त हो रही है।
और मैं बहुत स्वस्थ अनुभव कर रही हूँ। साथ साथ ये मेरे अंदर समाई हुई पवित्रता की किरणें वातावरण में फैल रही हैं, पूरे वातावरण को शुद्ध पवित्र बनाती जा रही है। और मेरे ये प्रकंपन विश्व के चारों ओर फैलते फैलते विश्व की आत्माओं को पवित्रता की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हर एक के मन शुद्ध बनते जा रहे हैं। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, मुझे इन पवित्रता की शक्ति से भरपूर करने के लिए, मुझे अपनी सेवा का माध्यम बनाने के लिए। शिव बाबा आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो आपके राजयोग से कनेक्टेड कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या चैट विंडो पर भी डाल सकते हैं। और आगे कंटिन्यू करने में आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, अगर आप वो भी शेयर करना चाहें जरूर करें। सब साइलेंट हो गए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि राजयोग के अभ्यास के बाद तो साइलेंस की शक्ति सबसे पहले अनुभव होती है। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए शायद सुरभिबेन आपने लेट ये किया है। अच्छा, आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, इट्स अ गुड थिंग। तो कल से हम और थोड़े आगे के डीप सेशंस लेंगे, जिसके अंदर हम और डिटेल बातों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो भी समय निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे बढ़ने से ही हमें और सुंदर सुंदर अनुभूतियाँ होती जाएंगी, क्योंकि जिस बात के अंदर हम जाते हैं डीपली, तो उसने ही, जैसे सागर के अंदर जितना डीपली जाते हैं उतने ही सागर से प्राप्तियां होती है। तो हम तो ज्ञान सागर के डेप्थ में जाने वाले हैं, शिव बाबा हमारा ज्ञान का सागर है, और हम डीप डाइव करेंगे ना तो बहुत सुंदर प्राप्तियां हम सबको होंगी। तो इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और एक सवाल आया है, आई रियली लाइक टू लिसन टू डिस्कशन ऑन real life topics and situations like what BK Shivan and BK Kamal post on YouTube. That's a good thing. वो सारी बातें आपको YouTube पे तो मिल ही रहे हैं, इसीलिए हम उन बातों को यहाँ पर practically बहुत discuss नहीं करते हैं, because you already get all those solutions from Sister Shivani's videos या कमल भाई के, या बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है उनके द्वारा आपको ऐसे practical solutions मिल सकते हैं। चाहे तो हम लास्ट डे पे, जब हमारा कोर्स का एक हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, टाइमिंग, यस इट्स अ गुड क्वेश्चन। हम टाइमिंग सेम ही रखेंगे, 7 से 8 ही रखेंगे, या आप लोग टाइम चेंज करना चाहते हो, आप एक सजेशन भी, मैं आप सभी से पूछ रही हूँ, अगर हम शाम को 7 से 8 करें कल से एक हफ्ता तक, इज दैट ओके फॉर ऑल ऑफ यू, या सुबह का 7 से 8 ठीक है आप सबके लिए? जो शाम के लिए यस कर रहे हैं वो अभी यस डालें। सेम टाइम ओके। अच्छा इवनिंग, अच्छा आप लिखे मॉर्निंग यस और इवनिंग यस, तो मुझे पता पड़ेगा मॉर्निंग ज्यादा आपके लिए सुटेबल है या इवनिंग सुटेबल है। सुबह 7 से 8 ओके, मॉर्निंग टाइम ज्यादा प्रेफरेबल है, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि मन बुद्धि फ्रेश होती है मॉर्निंग के समय पर, और ऐसे समय पर अंदर में ज्ञान जाए तो वो गहरा उतरता भी है, क्योंकि शाम के समय जैसे बहुत कुछ जीवन में हो चुका होता है उसका प्रभाव भी मन बुद्धि के ऊपर होता है, और कंसंट्रेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। 6 to 7 आई थिंक सबके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सो फॉर 1 week वी विल कंटिन्यू 7 to 8 जैसे हमारा रोज का टाइमिंग है।
कोई पूछ रहा है शाम को साढ़े सुबह 7:30, हमने 7 से 8 इसीलिए रखा है ताकि अगर किसी को ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो या कहीं बाहर जाना हो तो 8 के बाद वो तैयार होकर निकल सकते हैं। तो 7 to 8 इज प्रिफरेबल। तो हम मॉर्निंग का 7 से 8 समय ही कंटिन्यू करेंगे और एक हफ्ते तक, फिर आगे की जर्नी देखेंगे कैसे चलती है हम सबकी। लेकिन आप सबको फायदा हो रहा है तभी हम इसको कंटिन्यू करें, आप सब लाभ ले रहे हैं तभी हम कंटिन्यू करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, कोई पूछ रहा है कार्य करते हुए शुभाबा का चिंतन कैसे करें। तो मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, कर्म क्षेत्र पर जब हम होते हैं, अपने डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जब हम होते हैं, तो बाबा को हम साथी के रूप में अनुभव करें। ही इज माई कंपेनियन। अगर आपको चाहे तो कोई रिलेशन डेवलप करें उसके साथ, जैसे बाबा मेरा दोस्त है, बाबा मेरा साजन है, बाबा मेरा शिक्षक है, गुरु है, जो भी रिश्ता आपको चाहिए हो, अनुभव करना हो और जिसकी आप डिमांड रखते हो, उस रिश्ते से आप बाबा को अनुभव करके अपने साथ रख सकते हैं। बीच बीच में जैसे काम करते करते बाबा के अंदर, बाबा के साथ अंदर ही अंदर बातें करते करते आप काम से कर सकते हैं, तो ये भी एक मेडिटेशन हो जाता है। समहाउ हमारी मन बुद्धि बाबा के साथ कनेक्ट रहना अर्थात मेडिटेशन। क्योंकि हम किसी देहधारी को याद नहीं कर रहे, हम किसी दुनियावी बात को याद नहीं कर रहे, लेकिन शिव बाबा को याद कर रहे और शिव बाबा की ज्ञान की बातों को याद कर रहे, तो ये मेडिटेशन ही है, है ना। तो कार्य व्यवहार में हम इस तरह से मेडिटेशन करें और फिर बैठकर जब करते हैं तो बहुत शांति से, जो हमने विधि बताई उस रीति से आप। अच्छा, श्रीपाद भाई बता रहे हैं, आई एम अ डॉक्टर, थैंक यू फॉर ऑल योर द नॉलेज। वेरी गुड। एक्चुअली डॉक्टर के कॉन्फ्रेंस के बाद ही हमने ये प्लान किया था ताकि जो भी डॉक्टर्स ने कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो वो ये अटेंड कर सके। तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ डॉक्टर है यहाँ पर। हाउ मेनी ऑफ यू आर डॉक्टर्स, यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स, और बता सकते हैं आप में से कितने डॉक्टर्स है इस सुनने में। क्योंकि हमने यहाँ पे 31 जुलाई को मेडिकल कॉन्फ्रेंस की थी और उसी के बाद हमने ये कोर्स बिगिन किया था। अच्छा, एक हैंड रेज हुआ है, रियल मी आप डॉक्टर है नार्जो। ओके ओके, नाइस टू नो ऑल अबाउट यू। आई थिंक मैं आपको थोड़ा अनम्यूट करने की परमिशन देती हूँ सो दैट यू कैन स्पीक। अच्छा अच्छा, अमित भाई CA है। ओके, नाइस टू नो ऑल फॉर अबाउट ऑल ऑफ यू। अच्छा लग रहा है, और हम सबका जो हम ये पूरी टीम है। अच्छा, आई एम अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, ओ दैट्स गुड। अब सोशल वर्क के साथ आप स्पिरिचुअल वर्क भी करेंगे इसकी हमें पूरी उम्मीद है। अच्छा, गुरुराज भाई इज अ टीचर, नाइस। सो यू पीपल आर ऑल फॉर डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड हैप्पी टू नो अबाउट ऑल ऑफ यू। और हम चाहते हैं आप जिस भी क्षेत्र में हो आप परमात्मा का एक माध्यम बन जाए। अच्छा, CA के लिए कॉन्फ्रेंस भी हम प्लान करेंगे अमित भाई, एंड वी विल लेट यू नो। अच्छा, सुरभि स्टूडेंट है, ओके गुड। अगर किसी को अपने आप को अनम्यूट कर कुछ एकाध बात बोलनी हो, इम्पोर्टेंट बात, तो बोल सकते हैं। बीमारी में भी लाभ मिल रहा है, दैट्स गुड, वेरी नाइस। और यही हमारा ये है कि हमने जो पाया है परमात्मा से संबंध जोड़कर, राजयोग का अभ्यास कर इतना सुख पाया है जीवन के अंदर, कलयुग के जीवन के अंदर इनफैक्ट। तो हमारा बस यही एक लक्ष्य है कि आप सभी जिसी किसी क्षेत्र में हो, जो कुछ भी कर रहे हो, आप उस क्षेत्र में परमात्मा के इस ज्ञान को अप्लाई करो। इतना सुंदर जीवन शुभाबा हमें वर्तमान समय दे रहा है, इसका आप लाभ उठाओ और आप सबके लिए एक ऐसी मिसाल बनो, एक ऐसा एग्जाम्पल बनो कि आपको देखकर लोगों को प्रेरणा आए कि हम भी अपना जीवन ऐसे बनाए। तो आई रियली विश कि आप सभी इतना अच्छा जीवन आपका बनाए। अच्छा, सरजीत भाई आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बहन है शायद। यस ओम शांति सिस्टर, मैं कनाडा से बोल रही हूँ। मैं एक सीनियर होम में काम करती हूँ और मैं जो आपने आज सारी शक्तियाँ के बारे में बताया, मैं वो वहां पर यूज करती हूँ। मैं जैसे मैं कंपैशनेट केयर करती हूँ, कभी भी जो रेजिडेंट बीमार होते हैं, गुस्सा करते, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती। और मेरे से देख के मेरी फ्रेंड्स ने भी बहुत सीखा है, जैसे उन्होंने भी, मैं वहां पर, सभी को मालूम है कि मैं ब्रह्मा कुमारी फॉलो करती हूँ और सभी से प्यार से, इवन अगर कोई कोलीग भी मेरे बारे में कोई बुरा भी बोले, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती। धीरे धीरे वो अपने आप ही प्यार करने लग जाते, अभी एटमोसफियर वहां का बहुत अच्छा हो गया है। वेरी गुड। और दूसरे भी जैसे किचन में भी जो काम करते हैं वो भी मेरे से कई बातें सीखी है, उन्होंने फॉलो कर रहे हैं जिंदगी में अपने। यही रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। आप जहां भी बाबा ने आपको निमित्त मात्र रखा है,
वो हमारा कर्म क्षेत्र है और बाबा अपना संदेश इसी तरह फैला रहा है। बाबा अपने एक एक बच्चे को एक सैंपल बना रहा है कि जो जहां भी रहता है वो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए, उसका जीवन प्रेरणादायी जीवन बन जाए, यही बाबा चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं। तो आप जहां कहीं भी है आप एक एग्जाम्पल बने, बाबा का इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बने जो आपका खुद का जीवन तो सवर ही जाए लेकिन आप अनेकों का जीवन सवारने के निमित्त बनो, यही हमारी शुभाशय है। एक क्वेश्चन आया है, घर में कोई बीमार है उन्हें सकाश कैसे दे? जैसे हमने खुद के लिए सकाश ली, सकाश अर्थात किरणें लेना बाबा की, तो जैसे हमने खुद के अंदर किरणें भरी और अनुभव किया, वो किरणें सारे बॉडी में फैल कर बॉडी के एक एक अंग को हेल्दी कर रही है, हील कर रही है, तो उसी तरह से जिस घर में बीमार व्यक्ति है उसको हम अनुभव करेंगे, उसके सामने बाबा है ज्ञान सूर्य, उसकी किरणें उस आत्मा के ऊपर पड़ रही है, उसकी आत्मा चार्ज हो रही है, पॉजिटिव बन रही है और उनकी वही चार्ज किरणें उसके बॉडी में फैल कर, स्पेशली जिस पार्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है, समझो किसी को शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो हम अनुभव करेंगे वो सारी शक्तियां शोल्डर में जा रही है, शोल्डर को बिल्कुल हील कर रही है। तो हम बाबा की शक्तियों के आधार से पूरे विश्वास के साथ निश्चय के साथ ये अनुभव करें कि वो पार्ट हील हो रहा है और धीरे धीरे, एक बार से नहीं होगा ये कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको बड़े विश्वास के साथ काफी बार रिपीट करना होगा तो आपको अनुभव होगा वो पार्ट हील होता हुआ आपको अनुभव होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। डिसीजन पावर कैसे बढ़ेगा? जैसे मैंने कहा डिसीजन को अच्छा बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, जितनी ज्ञान की क्लैरिटी, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आता जाएगा आपको हर बात की क्लैरिटी होगी, अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये डिसीजन लूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक आउट द प्रॉपर डिसीजन। और सेकेंडली बाबा के साथ बुद्धि जितना कनेक्टेड होगी बाबा आपको समय प्रति समय टच करता रहेगा, बच्चे तुम्हें ये करना है, आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि दिस व्हाट आई नीड टू डू, और आप वो करेंगे और आपको फायदा हो जाएगा, इस तरह से आपकी डिसीजन पावर अच्छी होती जाएगी। हाउ टू गाइड माई पेशेंट्स अबाउट बीके? आप एक डॉक्टर के पास बहुत एक अच्छा टूल होता है, आजकल हम देखते हैं हमारे बीके कई डॉक्टर्स हैं या जो नहीं भी बीके है लेकिन जो सिस्टर शिवानी का सुनते हैं यूट्यूब पे और जिनको पता है ये मेडिटेशन उनके ये थॉट प्रोसेस उनके शरीर को हील कर सकती है, तो वो सारे लोग अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सिखाया जा रहा मेडिटेशन सीखो, आपको बीमारी में बहुत मदद मिलेगी, आपकी एक लाइन भी पेशेंट को बहुत मदद करेगी और वो प्रयास करेगा मेडिटेशन को सीखने का। उनको आप कहो जो हम मेडिसिन देंगे उससे आपको जरूर फर्क पड़ेगा लेकिन आपको जल्दी हील होना है, लॉन्ग टर्म के लिए हील होना है तो आपको आपकी सोच के ऊपर काम करना पड़ेगा, सोच को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और उसके लिए राजयोग मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया जाता है आपको मदद करेगा। तो इस तरह से अगर आप उनको थोड़ा क्लू दे दे तो डेफिनेटली वो कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपको ये भी पूछेंगे हमारे एरिया में कहाँ है तो आप उनको बता सकते हैं कि आप गूगल पे आपका एरिया और ब्रह्मा कुमारी सेंटर डाल देंगे तो गूगल आपको इन्फॉर्मेशन देगा आपका नियर बाय सेंटर कौन सा है, वहां पर जाकर आप वो 7 डेज का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है और कई डॉक्टर्स हैं जो अपने पास एक हमारे पास एक ईश्वरीय संदेश करके छोटी बुक निकलती है, मोस्टली हर सेंटर पर अवेलेबल होती है, हो सकता है अगर किसी सेंटर पर ना भी हो तो आप हमें भी बता सकते हैं। तो इस बुक में शॉर्ट में 7 डेज की बातें लिखी होती, वेरी शॉर्ट, तो एटलीस्ट उनको दे गेट टू नो कि दिस इज समथिंग यूजफुल फॉर अस। और वो छोटी बुक आप गिफ्ट में रूप में दे सकते हैं, वो बहुत छोटी सी बुक 1-2 रुपए की होती है, ये छोटी सी गिफ्ट भी उनका जीवन परिवर्तन कर सकती है। या फिर आप उनको बोल सकते हैं ब्रह्मा कुमारीज का 24 आवर्स चैनल है पीस ऑफ माइंड, आप उनसे भी कनेक्ट करा सकते हैं। घर में इधर उधर की फालतू बातें देखने से अच्छा है पीस ऑफ माइंड के द्वारा अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छी अच्छी बातों को धारण करने का प्रयास करें। अच्छा, कोमल बहन कह रहे 6 to 7 AM होगा तो अच्छा होगा दीदी, लेकिन प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक सबके लिए ये पॉसिबल होगा, तो आप बाद में सेशन सुन सकते हैं अगर इनके 7 to 8 आप बिजी हो। एनी ग्रुप ऑफ बीके डॉक्टर्स इन पुणे? गुरुराज भाई, श्रीपाद भाई, आपका नंबर ग्रुप पे डाल, ग्रुप पे आई डोंट थिंक आपको एक्सेस है, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं अपना नंबर चैट विंडो पे डालती हूँ, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए तो मैं आपको डॉक्टर के साथ कनेक्ट करा सकती हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर इनकेस मैं कॉल नहीं उठाती बिकॉज ऑफ सम अदर सेवा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके रख सकते हैं और एज एंड व्हेन आई गेट टाइम आई विल रिप्लाई, ठीक है।
आप श्रीपाद भाई या इससे आपका नंबर और ये शेयर कर दीजिए, मैं आपका और डॉक्टर के साथ कनेक्ट कराऊंगी। ओके, आई थिंक वी विल क्लोज टुडे सेशन लिटिल अर्ली, क्योंकि आज हमारे पास एक प्रोग्राम है और हमें वहां पर जाना है। अच्छा श्रीपाद भाई, आपने यहाँ नंबर डाला है, ठीक है, लेकिन आप मैसेज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि हम बाकियों का समय ना ले। तो अभी एक मिनट साइलेंस करेंगे और कल से हमारी ये जर्नी कंटिन्यू होने वाली है और केयर की गहरी बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो आपके जीवन के कई समस्याओं को हल करने में आपकी मदद जरूर करेंगे। सो लेट्स हैव अ वन मिनट ऑफ साइलेंस, लेट्स गिव थैंक्स टू बाबा, और सारे दिन में सोल कॉन्शियस रहना, शिव बाबा की याद में रहना, शिव बाबा के ज्ञान को अप्लाई करना, यही हमारे जीवन का मेन लक्ष्य हो। बाकी बातें तो साइड बाय साइड हम करते ही रहेंगे। सो लेट्स हैव वन मिनट साइलेंस और फिर हम आज का सेशन क्लोज करते हैं।